ये दोस्तों इस जो पार्क का मेन गेट है दोस्तों, यहाँ से एंट्री होती है सभी की। स्वागत आपका एक बार फिर से अपने चैनल दीप नैन यूट्यूबर में, और आशा रखता हूँ दोस्तों सभी अच्छे होंगे। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और यहाँ पर जो हमारा जो दादा देवराज मंदिर है, इसके पास में एक पार्क है, और इस टाइम पे लगभग 5 और 6 बजे के बीच में यहाँ पर काफ़ी बच्चे खेलने के लिए आते हैं। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँ दोस्तों, ये वो लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मौसम भी बहुत ही अच्छा हो चुका है, बारिश का मौसम है यहाँ पर अभी इस टाइम पर। चलो चलो मैं आपको बैक कैमरे से अभी दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये दादा देवराज मंदिर के पास में जो पार्क है, एक खूबसूरत पार्क है दोस्तों, और ये बहुत ही बड़ा पार्क है। कम से कम जो 3-4 किले होते हैं ना, उसका जो एरिया होता है इतना बड़ा। दोस्तों ये देखिए कितने बच्चे यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, फुल मस्ती। कहीं जो ये मौसम है फिलहाल मस्ती का ही मौसम है दोस्तों, ऐसा मौसम कभी कभी देखने के लिए मिलता है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से दीप नैन यूट्यूबर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपके सामने मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये हर दिन ओपन रहता है, ये नहीं कि भाई किसी दिन बंद रहता है, जैसे कि लॉकडाउन में तो ये फिलहाल बंद था क्योंकि कोरोना टाइम में। फिलहाल अभी ये ओपन है, पूरी तरह से बच्चे इंजॉय ले रहे हैं, सुबह भी आते हैं और शाम को भी आते हैं। बिल्कुल हरा घास है और साफ़ सफाई का तो कहना ही क्या दोस्तों। और दोस्तों पेड़ पौधे जो आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, ये देखिए पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, और बच्चों के लिए झूले की तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था की गई है, एक से एक आपको बहुत ही अच्छे झूले देखने। जो आप पार्क देख रहे हैं तो काफ़ी बड़ा पार्क है दोस्तों ये, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। और यहां पर मैं बच्चे आपको पता ही कि फुल एंजॉय करते हैं झूलों के ऊपर, तो बच्चे बहुत ही खुश होते हैं दोस्तों झूलों को देखकर। कई साल पहले मतलब बदबू होती थी, काफ़ी गंदगी रहती थी, तो उसको साफ करके दोस्तों यहाँ पर कड़ी मेहनत करने के बाद में इस ये जो आप पार्क देख रहे हैं, ये पार्क बनाया गया है। बाद में अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा होने के बाद में ये जो आप लाइट देख रहे हैं इनको चालू कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वो लोग अच्छा लगा होगा, और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपके सामने बहुत ही जल्द है दोस्तों एक नया वो लोग आएगा, तो जल्दी मिलेंगे आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में।